आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर अगर हम टेक्सोनिक कैटेगरीज की बात करें तो मेनली सेवन मेन टेक्सोनिक कैटेगरीज हैं जैसे किंगडम हुआ डिवीजन या एनिमल किंगडम में फाइलम कहते हैं डिवीज़न को क्लास हुआ ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीसीज ये सेवन मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये जो सेवन मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये ऑब्लिगेट या इसेंशियल कैटेगरीज कहलाते हैं क्योंकि जब भी प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये सेवन मेन टेक्सोनिक कैटेगरीज स्ट्रिक्टली यूज किए जाते हैं इसीलिए इनको ऑब्लिगेट या इसेंशियल कैटेगरीज कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी हैं जिनको सब कैटेगरी कहते हैं जैसे सब डिवीज़न हुआ सब ऑर्डर या सब फैमिली और प्रत्येक कैटेगरी ईच कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं क्योंकि ये एक टेक्सोनिक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब चाहे किंगडम हो डिवीज़न हो क्लास हो या स्पेसीज कोई भी कैटेगरी क्या है यह यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और ईच कैटेगरी को टैक्सोन कहते हैं जिसका प्लूरल टैक्सा होता है मतलब किंगडम हो या डिवीजन या स्पीसीज इनको हम टैक्सोन कहते हैं और प्लूरल फॉर्म में कहें तो टैक्सा कहते हैं इनको तो अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो यह लार्जेस्ट कैटेगरी जो है क्या है किंगडम फॉलोड बाय डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज स्पीसीज स्मॉलेस्ट कैटेगरी है या स्मॉलेस्ट टेक्सॉन taxon. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सेवन मैंने ऊपर बताया तो ये टैक्सोनॉमिक हाइरार्ची क्या है ये सेवन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टैक्सोनॉमिक हाइरार्ची बनाते हैं कैसे देखिए जब भी किसी प्लांट का या एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं और इसी को टेक्सोनिक हाइरारची कहते हैं मेनली मैं यहाँ प्लांट डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्लांट क्लासिफिकेशन का ही बात करूँगा अगर दूसरे शब्दों में कहें कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कैसे टेक्सोनॉमिक हाइर बनाते हैं तो ये है कि ये जो मेन कैटेगरीज हैं सेवन इवन अगर आप सब कैटेगरीज को भी इंक्लूड करते हैं तो ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची मैंने ऊपर दिखाया कि लार्जेस्ट किंगडम होता है और लोएस्ट स्पीसीज होता है आगे भी हम देखेंगे इन द हायरची ऑफ कैटेगरीज किंगडम इज द हाइस्ट एंड स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी मैंने ऊपर बताया कि किंगडम लार्जेस्ट होता है और स्पीसीज स्मॉलेस्ट कैटेगरी होता है तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो किंगडम हाईएस्ट हुआ और स्पीसीज लोएस्ट हुआ जैसे ऊपर बताया कि ईच कैटेगरी इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब अगर हम टेक्सोनॉमिक हाइरार्ची की बात करें तो टेक्सोनॉमिक हाइजार्ची में जो भी कैटेगरी यूज होते हैं कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को डिनोट करता है लेकिन इनमें स्पसीज जो होता है वह बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है सारे कैटेगरी तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है लेकिन स्पसीज जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है तो यही है टेक्सोनॉमिक हाइराजी देखिए लार्जेस्ट या हाइएस्ट क्या हुआ किंगडम और स्मॉलेस्ट या लोएस्ट किया हुआ स्पिस अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीज जनरली किसी भी क्लासिफिकेशन में ऐसे ही ऑर्गेनिम्स को क्लासिफाई किया जाता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर बट कहीं कहीं असेंडिंग ऑर्डर में भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो भी एक्सोनॉमिक हाइरार्ची ही कहलाएगा लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ही क्लासिफिकेशन लिखा हुआ मिलता है तो टेक्सॉन क्या है ऊपर हमने देखा लेकिन यहाँ पे उसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो जैसे ऊपर बताया मैंने कि ईच कैटेगरी जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि टेक्सोनॉमिक रैंक को रिप्रेजेंट करता है और ईच कैटेगरी को टेक्सॉन कहते हैं और जिसका प्लूरा टक्सा होता है दूसरे शब्दों में कहें तो जो टर्म टेक्सॉन है यह किसी भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है मतलब अगर हम कहें कि एक्स इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें एक्स क्या है कोई टेक्सॉन ही होगा और जब यूनिट या टेक्सॉन की बात करते हैं तो वो या तो लार्ज हो जैसे प्लांट किंगडम की बात कर ले स्मॉल हो एलगी फंजाई और अ सिंगल स्पीसीज अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो टेक्सॉन रिप्रेजेंट करता है क्या प्लांट्स या एनिमल जो कि किसी भी टेक्सोनिक कैटेगरी में इंक्लूडेड हो मतलब इसका क्या है कि अगर हम कहें कि कुकरबिटेसी फैमिली के प्लांट्स तो कुकरबिटेसी फैमिली है और कुकरबिटेसी एक टेक्सॉन है अगर हम सोलेनम की बात करें तो सोलरम क्या है एक जीनस है और यह है एक टैक्सॉन है और अगर हम सोलरम ट्यूबरेसम की बात करें तो हम एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो यह भी एक टैक्सॉन है अगर हम ओवरऑल प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं तो यह भी एक टैक्सॉन है तो टेक्सॉन एक जनरल टर्म है जो कि किसी भी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है एनिमल के लिए सबसे पहले टेक्सॉन टर्म प्रपोज किया था एडोल्फ मेयर ने वहीं प्लांट के लिए एच जे लान ने किया था तो ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो कि टेक्सोनॉमिक हाइराजी बनाते हैं ये सब टेक्सॉन या टेक्सॉन कहलाते हैं टेक्सॉन में कुछ सफिक्स भी जोड़े जाते हैं उनको यहीं पे देख लेते हैं डिवीजन में सफिक्स क्या यूज होता है फाइटा सब डिवीजन में क्या यूज होता है सफिक्स फाइटिना क्लास में क्या होता है सफिक्स ऑक्सीडा फाइसी या ई e. ऑर्डर्स में एल्स यूज होता है जैसे आपने देखा होगा पैराइटेल्स तो एल्स जहां लिखा रहता है वो ऑर्डर होता है फैमिली में एसी जैसे मालवे सी कुकरपिट ए सी फैब ए सी तो ए सी सी इंड हो रहा है ये वो क्या है फैमिली तो डिवीज़न सब डिवीज़न क्लास ऑर्डर फैमिली में ये सफिक्स लगा हुआ होता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो फैमिली है कि ऑर्डर है कि क्लास है कि डिवीज़न है तो ये कैटेगरीज़ में डिवीज़न में क्लास में ऑर्डर में और फैमिली में सफिक्स यूज होता है लेकिन जीनस स्पिस और किंगडम इन तीनों में सफिक्स नहीं यूज होता लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को थैंक यू धन्यवाद जय हिंद